मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों कैसे हैं आप सभी लोग, जरूर बताइएगा। आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारा ये आप देख रहे होंगे अगर, तो ये एक हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहा होगा। आप अगर चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर एक मिस्ड कॉल कर देंगे तो आपको मेरे जो आर्टिकल्स हैं वो आपके व्हाट्सएप पर मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आप ज़रूर मेरे उस नंबर को सेव भी कर लीजिएगा। तो मित्रों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने वाले। मित्रों आज से नहीं बल्कि लगभग 10 सालों से जो लोग अरविंद केजरीवाल से बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं, वो अरविंद केजरीवाल के मुस्लिम तुष्टीकरण पर उनके लिए एक शब्द अक्सर इस्तेमाल करते थे, और वो शब्द था कि ये अरविंद केजरीवाल नहीं है, ये केजरुद्दीन है। जैसे हमारे इतिहास में अलाउद्दीन जलालुद्दीन हुए, वैसे ही दिल्ली की कुर्सी पर जो है केजरुद्दीन बैठा हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह की बातें हमेशा करते थे। हालांकि किसी का नाम बिगाड़ने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अब जो अरविंद केजरीवाल का जो व्यवहार है वो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि अब वाकई में अरविंद केजरीवाल जो है वो केजरुद्दीन बन चुके हैं। दिल्ली के सुल्तान केजरुद्दीन, दिल्ली के जागीरदार केजरुद्दीन। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ तो अमेरिका जर्मनी ये इस तरह से केजरुद्दीन की जो पूरी गिरफ्तारी है उसको लेकर के इस तरह से व्यथित है, इस तरह से तकलीफ में है, इस तरह से परेशान है कि वो जो है भारत से इस बारे में हस्तक्षेप करना चाहता है। और इसको लेकर के भारत ने अब ये केजरुद्दीन के चक्कर में, दिल्ली के जो नए सुल्तान हैं उनके चक्कर में अमेरिका भी नप गया है। भारत ने भी अमेरिका के राजदूत को तलब कर लिया है। और इसके अलावा ये जो केजरुद्दीन है इनका पूरा एक दरबारी मीडिया है जो दरबार में इनके लिए बैठा हुआ है, जो इनके लिए गाता बजाता है, ये जान करके भी कि इस आदमी के ऊपर अब तो 134 करोड़ रुपए पन्नू ने आरोप लगाया है कि इसने हमसे लिए हैं। और इसके अलावा अखबारों में तो खबरें भी छप गई हैं, आ गई हैं सामने। लेकिन जो दिल्ली की जनता है वो बड़ा क्रिएटिव तरीके से अरविंद केजरीवाल का विरोध भी कर रही है। तो क्या ये पूरा मसला है? इसी मसले पे हम पूरे मित्रों आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल आप देखिए, आपको याद होगा कि एक अरविंद केजरीवाल के जब अरविंद केजरीवाल जेल चले गए तो उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उन्होंने आपको याद होगा कि उन्होंने एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, या ये कहें कि दिल्ली के नाम पर एक संबोधन किया था। और वो जो संबोधन था अगर आप देखिए तो उस संबोधन में अगर आप देखें तो इस तरह से वो बैठी हुई नज़र आई थी। देखिए यहाँ पे इस तरह से वो बैठी हुई नज़र आई थी, और वैसे ही सेम वही चेयर जो है, और तब वो एक पीले सूट पे नज़र आई थी, उसके ऊपर एक पर्पल कलर का बैंगनी कलर का उन्होंने दुपट्टा रखा लिया हुआ था। और उस समय जब अरविंद केजरीवाल की ज़बरदस्त आलोचना की गई कि अरविंद केजरीवाल तो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल तो वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अब अगर वो मुख्यमंत्री नहीं है तो क्या उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनेंगी, लगता है आतिशी का नंबर कट गया, आतिशी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, इस तरह की बातें कही गई, अरविंद केजरीवाल की जमकर के आलोचना की गई। लेकिन इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल इतने ढीठ हैं, क्योंकि वो केजरुद्दीन हैं, क्योंकि वो खुद को दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का जागीरदार समझते हैं शायद, इसीलिए उन्हें इस आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ा। और अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है उन्होंने दूसरा एक और वीडियो भी जारी कर दिया, और ये जो वीडियो है मित्रों, इस वीडियो में भी सेम वैसे ही अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने एक हल्का पीला सूट पहना हुआ है। फर्क कितना है कि उन्होंने अब इस पर हल्का पीला दुपट्टा भी ओढ़ा हुआ है, उसी जगह पर जाकर बैठ गई, और भगत सिंह की प्रतिमा के सामने, डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने उन्होंने देखा जाए तो देश के संविधान को जलील करने का काम शुरू कर दिया। क्योंकि अगर एक कुर्सी की भी एक अपनी गरिमा होती, एक महिमा होती, मित्रों आप तो जानते हैं, अगर आपने किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप जानते हैं कि आप कभी अपनी बॉस की कुर्सी में नहीं बैठते। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल चूंकि मुख्यमंत्री थोड़ी हैं, अरविंद केजरीवाल तो केजरुद्दीन है, दिल्ली के सुल्तान बन चुके हैं, और इसीलिए अगर सुल्तान की जो बेगम है अगर वो कुर्सी पर बैठ जाएँ दिल्ली के, तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई? अगर राजा साहब नहीं है तो रानी साहिबा सही, अगर बादशाह सलामत नहीं है तो बेगम साहिबा सही। अब बेगम साहिबा का हुक्म जो है दिल्ली के लोगों को बजाना है, जैसा कि इसमें नज़र आ रहा है। तो भैया अभी एक तो पूरा मसला ये है,
अब इसके अलावा इन्होंने दो तीन तरह की बातें कही हैं। एक अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसमें उन्होंने दो तीन तरह की बातें कही हैं। उसमें उन्होंने एक बात तो ये कही है कि जो दिल्ली के बादशाह हैं, दिल्ली के सुल्तान हिंद जो हैं अरविंद केजरीवाल उर्फ केजरुद्दीन, उनकी शुगर जो है वो 46 हो गई है, उनकी शुगर 46 हो गई है, इसीलिए उनको उनके ऊपर सहानुभूति। आप सोचिए, मतलब अरविंद केजरीवाल इस वक्त जो है दिल्ली की जनता की सहानुभूति के लिए तड़प रहे हैं, दिल्ली की जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए तड़प रहे हैं दिल्ली के इस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। जो प्रोटेस्ट हुए वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के थोड़े बहुत कार्यकर्ताओं के प्रोटेस्ट हुए, और इसके अलावा दिल्ली की जनता कहीं कोई सड़कों पर नहीं उतरी। जो कहा जा रहा था कि दिल्ली की जनता सड़कों पर उतर जाएगी, बवाल काट देगी, ये हो जाएगा, सब जाम हो जाएगा, प्रधानमंत्री का आवास घेर लेंगे, क्या क्या बातें हो रही थी, कुछ भी नहीं हुआ। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल सहानुभूति हासिल करने के लिए तड़प रहे हैं, बुरी तरीके से तड़प रहे हैं, और इसीलिए उनकी पत्नी आकर के ये कहती हैं कि जो सुल्तान हैं, जो दिल्ली के नए नए सुल्तान बने हैं जलालुद्दीन और अलाउद्दीन के बाद केजरुद्दीन, उनकी जो बीपी है, उनकी जो शुगर है वो 46 हो गई है। तो ये चिंता का विषय है, इसकी तो एक तो ये बात हुई। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अब जो केजरुद्दीन है, केजरीवाल है, वो एक नई तरह का जो है खुलासा करने वाले हैं ईडी की राउस एवेन्यू कोर्ट में, वो बताएंगे कि वो शराब का पैसा कहाँ गया, इस बात को खुलासा करने वाले हैं। एक तो पूरा मित्रों ये विषय, और दूसरा विषय जो है अब मैं आपको यहाँ पे छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ मित्रों, और वो बड़ी दिलचस्प कहानी है, वो सच है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि लालू यादव से एक बार कोई विदेश का कोई नेता मिला, और उस विदेश का नेता जो था वो किसी बड़े पद पर था, तो उसने कहा कि लालू जी आपका तो मुख्यमंत्री से इस्तीफा हो गया उस समय जब चारा घोटाला हुआ, तो अब आप की क्या हैसियत रहेगी। तो लालू यादव ने कहा कि मेरी तो अभी भी बहुत बड़ी हैसियत है। तो उन्होंने कहा कैसे, तो बोले कि अच्छा जरा पूछना जॉर्ज बुश से कि क्या अमेरिका का कोई मुख्यमंत्री उनके पैर दबाता है क्या। तो जाहिर सी बात है भाई कि आखिर अमेरिका का कोई मुख्यमंत्री जॉर्ज बुश के पैर क्यों दबाएगा। तब उस समय लालू यादव ने कहा कि लेकिन बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मेरे पैर दबाती है। ठीक है, तो ये जो लालू यादव थे, लालू यादव ने तो अपनी पूरी एक जातिगत राजनीति सेट की हुई है। यादव जो उनके साथ पूरा वोटर वहाँ पे इंटैक्ट है, मुस्लिम वोट इंटैक्ट है, मुस्लिम यादव उनको आज भी वोट कर रहा है, चारा घोटाले के बाद भी यादव वोट देता है लालू यादव को, वो नहीं मानता कोर्ट का फैसला कोई। तो ये जो लाभ है, ये लाभ जो अरविंद के जो लालू यादव के साथ है, जाति वाला फैक्टर है, वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो दिल्ली के अघोषित सुल्तान, अघोषित बादशाह सलामत बन चुके हैं, और इसीलिए अब वो जो केजरुद्दीन है उनके लिए देखिए अब जर्मनी और जर्मनी के अंदर कितनी तड़ापुटी देखा हमने, पहले जर्मनी तड़प रहा था कि आखिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया है, और अब जो है अमेरिका ने भी मुद्दा उठाया कि आखिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया है। देखिए यहाँ पे खबर छपी हुई है, और क्या कहा था अमेरिका ने, ज़रा देखिए करेक्शन क्या आया था। भारत के आंतरिक मामलों में बाइडेन प्रशासन दखलंदाजी देने से बाज नहीं आ रहा है, हाल ही में CAA पर टिप्पणी करने के बाद अब अमेरिका की तरफ से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी बयान सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हम अपनी पैनी नज़र गड़ाए हुए हैं। ठीक है, उनका कहना है कि हम निष्पक्ष, समयबद्ध और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के लिए वहाँ की सरकार को प्रोत्साहित करते हैं। अब इसके ऊपर भारत सरकार ने बहुत ही कठोर कदम उठाया है, बहुत ही सख्त एक्शन लिया है, और उन्होंने सीधे सीधे ये लिखा है कि इंडिया स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट्स टू द रिमार्क्स ऑफ द US स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन, यानी कि US के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान की हम कड़ी निंदा करते हैं। भारत सरकार ने कहा है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और ये अपने फैसले खुद लेता है, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और वो उसके सबूतों के हिसाब से फैसला होता है, किसी अन्य देश को जो है हमारे अंदर हमारे मामलों में दखल देने का कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए मित्रों अमेरिका के एक राजदूत को विदेश मंत्रालय ने समन किया है, और ये है वो अमेरिका की राजदूत जिनको कि समन किया सुबह सुबह, और लगभग 45-50 मिनट तक उनकी वहाँ पे पेशी हुई, यानी अमेरिका के राजदूत की पेशी हुई। अरविंद केजरीवाल के चक्कर में अमेरिका भी नप गया, और
पता नहीं किसको किसको नाप देंगे अरविंद केजरीवाल, वो तो अलग की बात है, लेकिन मौके की बात फिलहाल ये है कि मैंने हाल फिलहाल तो कभी नहीं सुना कि अरविंद केजरीवाल की अमेरिका के राजदूत को कभी सम्मान दिया हो। ये तो सुना है कि पाकिस्तान के राजदूत को सम्मान दे दिया यहाँ, लेकिन अमेरिका के राजदूत को भी सम्मान दे दिया गया। इसका मतलब ये है कि भारत ने अपनी उस ताकत को दिखाया है कि भैया तुम अमेरिका के पुलिसमैन हो गए, अपने घर में हो गए, भारत में हमारा राज है, भारत में चुनी हुई सरकार है, भारत में एक चुना हुआ एक लोकतंत्र है, और भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ये संदेश जो है पूरी तरह से अगर देखा जाए तो अमेरिका को जो है दे दिया गया है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, इससे भी ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों की अर्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 3 राज्यों में चुनावी जीत हासिल की थी तो उस वक्त उन्होंने दिल्ली में अंदर बीजेपी के दफ्तर से जाकर के ये कहा था कि ये अच्छी बात है कि अब जो देश की जनता है वो ऐसी सरकारों को बहुमत दे रही है जो सरकारें करप्शन पर लगाम लगा रही हैं। और इसके अलावा इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी उन्होंने पिछले साल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर कहा था कि अभी तक आप ये खबरें दिखाते थे यूपीए की सरकार में कि देखिए इतना घोटाला हुआ, अब आप ये खबरें दिखाइए कि फलाने घोटाले में ये गिरफ्तारी हुई, इसमें दिक्कत क्या है। अरविंद केजरीवाल भी तो कहते थे कि गिरफ्तार करो सोनिया को, अब अगर वो खुद इसी केस में गिरफ्तार हो गए हैं तो आखिर फिर इतनी हाय तौबा क्यों मच रही है। एक तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब जरा थोड़ा सा मैडम की जो एक्टिंग है उसको भी जरा देख लेते हैं कि मैडम क्या कह रही है, सुनिए जरा। नमस्कार। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई, उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों के पानी। तो हालांकि इस पूरे वीडियो में लगभग 2.5 मिनट का वीडियो है और इसमें सबसे ज्यादा पता है कौन सी क्लिप वायरल हो रही है, ये आगे वाली क्लिप। उन्होंने कहा है मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है, आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। जय हिंद। नमस्कार, मैं ठग्गू लाल जी की इकलौती धर्मपत्नी पुनीता ठग्गू हूँ। कल ठग्गू लाल जी नप गए, कोशिश तो बहुत की पर भाग नहीं पाए। आपके बेटे और आपके भाई ठग्गू लाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे पापियों, मुझे आखिरकार कल गिरफ्तार कर लिया गया, मैं अंदर रहूं या बाहर धंधा रुकना नहीं चाहिए। मेरी अनुपस्थिति में मेरी धर्म पत्नी मिसेज पुनीता ठग्गू झूठ और नटंकी में कोई कमी आने नहीं देगी। जेल के अंदर से ही हर पल कैश की सेवा करता रहूंगा, मेरी जिंदगी का एक एक पल कैश के लिए समर्पित है, मेरे शरीर का एक एक कतरा कैश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही कमीशन खोरी के लिए हुआ है, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े कांड लिखे, इसलिए यह गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, पिछले जन्म में हम जरूर साथ में कई कांड किए होंगे जो मैं तुम जैसे पापियों का लीडर बना। हमें मिलकर दिल्ली वालों को फिर से मूर्ख बनाना है। दिल्ली के मेरे शराबी नशेड़ी सोच रहे होंगे ठग्गू लाल तो अंदर चला गया, पता नहीं पौआ के साथ पौआ फ्री मिलेगा या नहीं। मेरे सभी शराबी नशेड़ियों से यह अपील है, अपने ठग्गू लाल पर भरोसा रखो। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि ठग्गू लाल अपनी किसी बात पर टिका हो, बिना यूटर्न एक दिन भी बिताया हो? मैं आज एक बात पे नहीं टिका तो जेल में क्या टिकूंगा। दोस्तों, लगता है इस बार मैं लंबा गया हूँ। जब मनीष, संजय और सतेंद्र बाहर नहीं आ पा रहे तो मैं तो उनका सरगना हूँ। मेरे पूरे परिवार ने कोविड आपदा के दौरान बहुत मेहनत की है, दिन रात लगे रहे, पर्दे के कलर, बाथरूम की टाइल्स मैंने खुद 2-2 बार बदलवाई हैं। आतिशी, तुम मेहमान की तरह घर आते जाते रहना, दिल्ली की जनता ने ये मन बना लिया है।
ठगु हो या पुनीता, शीश महल ठगू लाल परिवार का ही रहेगा। धन्यवाद। मतलब जो मुख्यमंत्री आवास है शीश महल, तो अब जरा देखिए कि आखिर जो अरविंद केजरीवाल के दरबारी हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई जब सुल्तान होता ना, कोई खुद को सुल्तान समझता है, तो सुल्तान की गाने बजाने वाले भी बहुत होते हैं। अब देखिए ये जो 4 PM है, ये 4 PM न्यूज़ जो है ये क्या कह रहा है अरविंद केजरीवाल के बारे में। ये मैडम सवाल पूछ रही हैं कि भाई आखिर ऐसे तो बीजेपी किसी को भी गिरफ्तार करवा लेगी। तो इस पर ये जो जनाब हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी, ठीक है, ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की तुलना भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद से कर रहे हैं। अरे यार, जिसके ऊपर पन्नू आरोप लगा रहा है कि तुम की जो है तू मेरे को हिसाब दे केजरीवाल, तूने मेरे से 134 करोड़ रुपए लिए हैं, उस आदमी की तुलना भगत सिंह से कर देना, ये क्या भगत सिंह का अपमान नहीं है? जरा सुनिए एक बार। नहीं है, मेरे लिए भारत माता से बड़ी कोई चीज नहीं है, इस देश से बड़ी कोई चीज नहीं है। मरने से पहले अगर मैं अपने कर्तव्यों से विमुख होता हूं, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसे विमुख होता हूं, जीत हार क्या होती है, ये अशफाक उल्ला खान ने भी कहा था। उन्हें क्या पता था देश आजाद हो जाएगा? उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू नहीं हूं लेकिन अगले जन्म में पुनर्जन्म लूंगा अगर तब तक देश को आजादी नहीं मिली। भगत सिंह कितनी उम्र थी भगत सिंह की? राम प्रसाद चंद्रशेखर आजाद की कितनी उम्र थी? समझ रहे हैं ये सब अपने को भगत सिंह केजरीवाल समझ रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये मोदी सरकार जो है अंग्रेजों से भी ज्यादा निरंकुश सरकार हो चुकी है। तो भैया अगर आप जो है शराब घोटाला करेंगे, अगर आप घोटाले करेंगे, अगर आप जो है खालिस्तानियों से पैसा लेंगे, तो आप ये उम्मीद क्यों करते हैं कि आपको कोई बख्श देगा? कोई बख्शेगा नहीं आपको, ये जनता भी आपको नहीं बख्शेगी। अभी धीरे धीरे देखिए होता है क्या। तो नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।